क्लास सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 11 ऑन पेज नंबर 35। सो टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 35। चैप्टर 11 ऑन पेज नंबर 35। प्रोनाउंस, यहाँ पे आपको कुछ प्रोनाउंस दिए हुए हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देन। प्रोनाउंस रिलेटेड आपको इससे पहले वाला पार्ट आपकी क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है, उसमें आपको बताया गया था कि प्रोनाउंस किसे कहते हैं। चलिए एक क्विक रिव्यू लेते हैं। प्रोनाउंस किसे कहते हैं? प्रोनाउंस होते हैं वो वर्ड जो कि नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं ऐसे ही कुछ प्रोनाउंस के बारे में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसा कि आपने अभी देखा, मैं वर्ड्स को पेन की हेल्प से पॉइंट करते हुए रीडिंग कर रही हूँ, ठीक वैसे ही आपको भी पेंसिल का यूज़ करते हुए रीडिंग करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, देयर इज़ ए पैरट ऑन द ट्री, इट्स कलर इज ग्रीन। तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या होगा? इट्स। अब ये इट्स लगा किस लिए है और क्यों लगा है, ये देखिए, यहाँ बात हो रही है पैरट की। पैरट को ना तो हम मेल में रख सकते हैं ना फीमेल के में रख सकते हैं। ऐसे वर्ड जो कि न्यूट्रल नाउन होते हैं उनके लिए हम इट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पैरट नाउन की जगह पे क्या यूज़ किया गया है? इट्स प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोहन इज बिजी नाउ, ही इज डूइंग हिज होमवर्क। रोहन अभी बिजी है, वो अपना काम कर रहा है। इस लाइन में प्रोनाउन क्या होगा? इस एग्जाम्पल में प्रोनाउन क्या है? हिज। हिज यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? रोहन के लिए। रोहन बिजी है क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टीना हैज मैनी फ्रेंड्स, शी प्लेज विद हर फ्रेंड। अब देखिए, इसका मतलब है टीना के बहुत सारे दोस्त हैं, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही है या अपने दोस्तों के साथ खेलती है। इस सेंटेंस में प्रोनाउन है हर। हर किसके लिए लगाया गया है? टीना के लिए, बिकॉज टीना इज ए गर्ल और गर्ल के लिए हर को एज अ प्रोनाउन यूज किया जाता है। द नेक्स्ट वन, सिया इज अ कार नियर द हाउस, इज इट आवर कार? सिया, घर के पास एक कार है, क्या ये हमारी कार है? इस एग्जाम्पल में प्रोनाउन क्या है? आवर। आवर जो है पोजेशन दिखाता है, पोजेशन मतलब किसी वस्तु पर अपना अधिकार। सिया और कार के बीच जो रिलेशन है वो क्या है कि ये सिया की कार है, इसलिए आवर को एज अ प्रोनाउन यहाँ यूज किया गया है। नेक्स्ट, येस्टरडे आई वेंट टू योर हाउस बट इट वॉज लॉक्ड। कल मैं तुम्हारे घर गया पर वो बंद था। यहाँ इस सेंटेंस में प्रोनाउन है योर, ये किसको दिखा रहा है? तुम्हारे। योर को एज अ प्रोनाउन ही यूज किया जाता है, ये एक प्रोनाउन है। नंबर सिक्स, दे हैव अ फार्म हाउस, देयर फार्म हाउस इज बिग। उनके पास एक फार्म हाउस है, उनका फार्म हाउस बहुत बड़ा है। फार्म हाउस और उनके बीच में क्या संबंध है कि ये जो फार्म हाउस है ये उनसे बिलोंग करता है, इसलिए इन दोनों के रिलेशन को दिखाने के लिए देयर का यूज़ किया गया है। देयर क्या है? एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट, हैव यू सीन माई न्यू क्रिकेट बैट, क्या तुमने मेरा नया क्रिकेट बैट देखा है? माई फादर हैज़ बॉट इट फॉर मी, मेरे पिताजी ये मेरे लिए खरीद कर लाए हैं। इस लाइन में बैट का बच्चे से क्या संबंध है कि ये उसका है, और नेक्स्ट लाइन में फादर का बच्चे से क्या रिलेशन है कि वो जो फादर है वो उस बच्चे के हैं। नेक्स्ट, द वर्ड इन कलर शो पोजेशंस, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोनाउन। जितने भी कलर वर्ड आप इस चैप्टर में देख रहे हैं ये सभी पोजेशन शो कर रहे हैं। पोजेशन मतलब एक चीज का दूसरे के साथ संबंध या उस पर अधिकार, जैसे तोते का पेड़ के साथ। तोते का रंग कैसा है? हरा। देखिए, पेड़ पर तोता बैठा, उस तोते का रंग क्या है? हरा। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? तोता कैसे रंग का है? हरे रंग का। नेक्स्ट, रोहन बिजी है, क्या कर रहा है रोहन? काम।
काम में और रोहन में रिलेशन है कि रोहन अपना ही काम कर रहा है। टीना के बहुत सारे दोस्त हैं, टीना अपने दोस्तों के साथ खेल रही है, तो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। ये कार सिया की है, वो तुम्हारे घर गया या फिर मैं तुम्हारे घर गया पर वो बंद था, रिलेशन आपको शो हो रहा है। ये सभी वर्ड रिलेशन शो कर रहे हैं। दे हैव अ फार्म हाउस, उनका फार्म हाउस है और उनका फार्म हाउस बहुत बड़ा है। बच्चे का बैट से, बच्चे का उसके पिता से। इस पोजेशन को शो करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ किया गया है। ये वर्ड्स ही क्या कहलाए? प्रोनाउन कहलाए। योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपको इस चैप्टर की रीडिंग मिनिमम 2 or 3 टाइम करनी है, जिससे कि मैंने जो भी आपको इस चैप्टर में बताया वो आप अच्छे से समझ सके, साथ ही इस चैप्टर में आने वाले सभी हार्ड वर्ड्स को आप प्रोनाउंस करना सीख सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।